चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक सुशासन के लिए दुनिया को समान नियमों की जरूरत है, जिसका कोई स्वार्थी एजेंडा नहीं होना चाहिए। जिनपिंग ने चेताते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। दरअसल जिनपिंग पापुआ न्यू गिनी में आयोजित एशिया प्रशांत सहयोग फोरम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि टकराव कैसा भी हो, फिर चाहे वो शीत युद्ध के रूप में हो या व्यापारिक युद्ध के रूप में, किसी की जीत नहीं हुई है। जिनपिंग ने कहा कि विवादों को चर्चा और सलाह मशवरे के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाकर। दरअसल वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार युद्ध में तेजी दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से होने वाले आयातों पर $200 अरब का टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में बीजिंग ने भी अमेरिकी आयात पर $60 अरब का टैरिफ लगाया था। वहीं पिछले दिनों चीन के एक मंत्री ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए उसके साथ बातचीत करना मुश्किल है, क्योंकि वाशिंगटन ने बीजिंग के सिर पर बंदूक लगा रखी है। वाणिज्य उप मंत्री वांग शोवेन ने बीजिंग के और वाशिंगटन द्वारा एक दूसरे पर अब तक के सबसे अधिक शुल्क लगा देने के एक दिन के बाद मीडिया से ये बातें कही थी। शुल्क लगाने से दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध और तेज हो गया। वहीं वांग ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने चीन को लेकर अपनी समझ का त्याग कर दिया है। मंत्री ने कहा कि $60 अरब का चीनी शुल्क कुछ नहीं, बस जवाब है, क्योंकि बीजिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच ये व्यापार युद्ध जुलाई में शुरू हुआ था। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बयान के बाद चीन और अमेरिका में एक बार फिर ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद है, क्योंकि दक्षिण चीनी सागर पर कई देश अपना दावा करते हैं। इसके बावजूद चीन ने इन दावों को दरकिनार कर दक्षिण चीन सागर में सैन्य ठिकाने बना रहा है, जिसका अमेरिका पुरजोर विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।